हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शैली एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं कुम की हेल्प से एक स्वेटर। लड्डू गोपाल जी के लिए हम एक छोटा सा ये स्वेटर बनाने वाले हैं जो मैंने कुम की हेल्प से बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वूल ली है, आप अपने चॉइस के कलर्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन, रेड एंड वाइट कलर्स यूज़ की हैं। तो सबसे पहले हमने कुम में लेना है और ऐसे एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस स्टेप को रिपीट करते हुए अपने इस फंदों को डालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन लेके गए, फिर हमने सेकंड लाइन वापस रिटर्न लेके आए और दोनों प्रोसेस को रिपीट करके हमारे फुल एक लाइन के फंदे डल गए। तो ऐसे ही हमने सेकंड लाइन को भी बना देना है। एकदम ही इजी मेथड है, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और इस तरीके से हम इसको बुनने वाले हैं। तो टू लाइंस हमने ग्रीन की बना ली है, अब हम टू लाइंस रेड की बनाएंगे। अगेन स्टार्टिंग में थोड़ी सी वूल छोड़ेंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस स्टेप को रिपीट करते हुए हमने यहाँ पे दो लाइन जो है वो रेड की भी बनानी है। तो दो मैंने ग्रीन की बनाई थी और दो मैं रेड की बनाने वाली हूँ। और इस पैटर्न को ही मैं अपने इस स्वेटर में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो पैटर्न को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो सिंगल कलर की वूल से भी इसको बना सकते हैं। तो टू लाइन मेरी रेड की कंप्लीट हो गई, अब मैं वाइट कलर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। वाइट की भी मैं टू लाइंस बनाऊंगी। तो ये आप बोल सकते हो क्रिसमस स्पेशल स्वेटर बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये क्रिसमस के कलर्स ही होते हैं हमारे, वाइट रेड ग्रीन, और बहुत सुंदर लगते हैं ये आपस में। देखिए साथ में कितने अच्छे लगते हैं ये। तो आप ये कलर्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप क्रिसमस विंटर स्पेशल बनाना चाहें, नहीं तो आपके पास जो भी कलर्स अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो टू लाइंस ही हम अपनी वाइट की बनाएंगे। तो देखिए टू टू लाइंस हमारी बन गई हैं तीनों कलर की। अब मैं वापस से अपना ग्रीन कलर की वूल को लेके आऊंगी और अब मैं टू लाइंस अपने ग्रीन कलर की वूल की बनाऊंगी। तो हमने जो है पीछे से जो हमारा वूल है उसको लेके आना है और अगेन टू लाइंस हमने यहाँ पे अपनी ग्रीन की बनाई है। और इसी तरीके से हमने टू लाइन रेड और टू लाइन वाइट की बना ली। अब हम क्या करेंगे, अब हमने बीच वाले पोर्शन को बुनना है। तो स्टार्टिंग में मैंने पांच फंदे छोड़ दिए और लास्ट के भी मैंने पांच फंदे छोड़ दिए। तो बीच में मेरे एट फंदे जो बचते हैं उनको मैं बुनूंगी। तो स्टार्टिंग और एंड के हमने फंदों को छोड़ दिया और बीच के जो हमारे फंदे हैं उनको हमने बुनना है। अगेन पैटर्न में सेम ही बना रही हूँ, पहले मैंने ग्रीन की टू लाइंस बनाई, फिर मैं रेड की टू लाइंस बनाऊंगी। वही वूल को हम आगे लेके जाएंगे और अपने पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। तो टू हमने लाइंस रेड की बनाई, फिर टू लाइंस हम वाइट की बनाएंगे और उसी पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ सेंटर के फंदों को बुनना है। जैसे टोटल मेरे 18 फंदे थे तो पांच आगे पांच पीछे छोड़ दिए मैंने और बीच के फंदे जो मेरे 8 बचे हैं उतने मैं बुन रही हूँ। तो पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम इसको बैक साइड में लेके जाएंगे और जो हमने स्टार्टिंग वाली वूल छोड़ी है और जो हमारी लास्ट वाली वूल है उन दोनों को आपस में लेंगे और नॉट लगाएंगे। बैक साइड में ले जाके हमने सारी नॉट्स को लगाना है और अपनी एक्सेस वूल हम कट कर देंगे। तो ये मैंने ग्रीन को टाई कर दिया, अब मैं रेड कलर को टाई करूंगी। और देखिए वाइट कलर में यहाँ पे पहले टाई कर रही हूँ। सेम ही स्टार्टिंग वाली वूल और लास्ट वाली वूल को लेना है और उसको हमने अच्छे से नॉट्स लगा देनी है, एक्सेस वूल हमने कट कर देनी है। तो बैक साइड में हम नॉट्स रखेंगे ताकि हमारा फ्रंट पोर्शन जो है वो क्लीन रहे। तो पैटर्न रेडी, अब हम इसको स्टिच करेंगे। ग्रीन कलर की वूल मैंने ली है क्योंकि स्टार्टिंग और लास्ट वाली मेरी वूल ग्रीन कलर की है, इसलिए मैंने यहाँ पे वूल ग्रीन कलर की वूल को डबल करके लिया है, एक साइड नॉट लगाई है। सबसे पहले ऊपर से नीचे नीडल को डाला, फिर मैं नीचे से
ऊपर नीडल को डाल रही हूँ, फिर वापस ऊपर से नीचे डालेंगे। इसी स्टेप को रिपीट करते हुए हम इस पूरे पैटर्न को स्टिच करेंगे। तो जो भी आपकी बॉर्डर वाली कलर है वूल का, वो कलर आप यूज़ करें। नीडल आपको सबसे लॉन्ग वाली लेनी है ताकि स्टिचिंग हमारी इजी हो जाए, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि कोई भी फंदा हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो हम जितनी लॉन्ग नीडल रहेगी उतना ईजी रहेगा हमको स्टिच करना। और स्पेशली जो हमारे सेंटर वाले फंदे हैं वो फुल लाइन में है, तो उनको हमने केयरफुली बुनना है जिससे वो पूरे हमारी नीडल में आ जाए। कोई भी फंदा अगर हमारा छूटेगा तो हमारा पैटर्न ओपन हो सकता है जब हम उसे कोम से निकालेंगे। तो इसी तरीके से हमने फुल पैटर्न को यहाँ पे स्टिच कर लेना है। अब हम देखिए इसको कोम से निकालेंगे, तो फुल पैटर्न हमारा स्टिच हो गया। इसको हम कोम से निकालेंगे केयरफुली, स्लोली आपने इसको हल्का हल्का पुश करते हुए कोम से निकालना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये पैटर्न रेडी हुआ है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल फोल्ड जो है वो करने वाले हैं। एक साइड से ऐसे फोल्ड किया, दूसरे साइड से ऐसे, और ये हमारा जो स्वेटर है लड्डू गोपाल जी का वो हमारा रेडी होगा। तो हम यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं। पहले हम एक साइड का पोर्शन स्टिच करेंगे। यहाँ पे स्लीव्स के लिए हमने जगह छोड़ी है, बैक साइड में लेके जाएंगे अपनी नीडल को और बैक साइड में जाके हम नॉट लगाएंगे। और इसी तरीके से हम दूसरे साइड को भी स्टिच करेंगे। अगेन हमने स्लीव के लिए जगह को छोड़नी है और अपने पैटर्न को इस तरीके से स्टिच करना है। देखिए एकदम ही इजी मेथड मैं आपके लिए लाई हूँ कान्हा जी के लिए बुलंद स्वेटर बनाने के लिए। अगर आपको निटिंग क्रोशिया वगैरह नहीं आता है तो भी हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए प्रिटी प्रिटी बुलंद क्लोथ्स बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप इसी तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए हमारा स्वेटर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसको हम अगेन बैक साइड में जाके मैं नॉट लगा के फिर हम अपनी एक्सेस वूल को कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो स्वेटर है वो एकदम रेडी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कि यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाया भी है। आप इस तरीके से स्वेटर बना सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।